हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800420011 और हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नेहरू प्लेस, सिद्धार्थ बिल्डिंग, बेसमेंट, शॉप नंबर B2, इंजीनियर चॉइस। ठीक है, चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी में आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहूँगा। ये है आपका 3542 का बोर्ड। इसमें बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है 7B13, और आप डेल डायग्नोस्टिक का PDF ओपन करते हैं या ऑनलाइन चेक करते हैं 7B, तो सीधे सीधे वो CPU के लिए इंडिकेट करता है। मतलब 7B13 आपके CPU फेल्योर से रिलेटेड होता है। ठीक है, सो इस बोर्ड में भी 7B आ रहा है, बट इसका CPU फेल्योर नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हमने इसको रिजॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किसी इंजीनियर ने अटेम्प्ट किया है, और साथ के साथ इसके जो यूज़र हैं, ठीक है, इसके यूज़र भी टेक्निकल है। उन्होंने क्या किया था, ग्राफिक कार्ड का रिमूव कर दिया था, नॉन ग्राफिक, बट इसमें 7B का एरर आ रहा है। ठीक है, सो चलिए हम लोगों ने भी इसको स्टार्ट किया। पहले तो इसका सारा, यानी कि कोर में कोई शॉर्टिंग नहीं, 1.05 की कोई शॉर्टिंग नहीं, 1.5 वोल्ट रैम जो CPU के लिए बनती है वो भी सप्लाई का फॉर्मेशन ओके। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई फॉर्मेशन ओके है। आपका BIOS रीप्रोग्राम करके देखा गया, फिर भी इसमें मतलब कोई इशू नहीं, BIOS भी ओके कंडीशन पे भी 7B एरर आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं CPD, क्लॉक, PLT और डेटा, तीन चीज़ें चेक की जाती हैं, और CPU की रीसेट सप्लाई, CPU की रीसेट सप्लाई, CPU रीसेट सप्लाई, CPU से यहाँ पे RAM के पिन नंबर 30 पे बनता है। और अगर आपका इसमें नोवाटर्न की IC है तो आपका क्लॉक बनता है नोवाटर्न में पिन नंबर 2 पे, PLT 7, और डेटा की पिन नंबर 1 होती है। ठीक है, सो इन चीज़ों को भी चेक किया। चलिए अभी देखते हैं इसमें आपका, पहले मैंने ये प्लगइन कर रखा है, RTC सेल रिमूव कर रखा है, तो ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। 7B ईरर कोड ये ऑन हो गया है। इस कंडीशन में मैं पहले चेक कर लेता हूँ, अगर मान लीजिए पिन नंबर 22 पे वाईफाई है, एक सेकेंड, देखिए PLT बन रहा है आपका। ठीक है, PLT तभी बनता है जब क्लॉक बनती है, यानी क्लॉक और PLT दो चीज़ बन रही। अब बात आती है डेटा का, डेटा इसमें नहीं बन रहा है, डेटा नहीं बन रहा है, और डेटा बन भी नहीं सकता क्योंकि अभी आपका ये 7B एरर दे रहा है, CPU फेल्योर का ये मैसेज होता है। गेट इट, और CPU फेल्योर का मैसेज जनरली अगर LPC बस नहीं काम कर रही होती है तभी आता है। LPC बस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका प्रोसेसर का, PCH का। ठीक है, LPC बस IO और PCH आपस में कम्युनिकेट करके बनाते हैं, समझ लीजिए इनके बीच के कम्युनिकेशन लाइन है। LPC बस को जब मैंने चेक करना शुरू किया तो मुझे एक उसमें से सिग्नल मिसिंग मिला। ठीक है, LPC बस का सिग्नल मिसिंग आ रहा था, और LPC बस के लिए अगर आप चेक कर पा रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ LPC बस डेटा के लिए हम लोग चेक करते हैं। LPC बस ये है आपका, LPC बस में पिन नंबर 1, 128, 127, 126 ये पिने हैं जो LPC बस से रिलेटेड होती हैं। जब तक यहाँ पर डेटा फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आपका डिस्प्ले नहीं आता है। गेट इट, जब इसको चेक करना पड़ा। अब इस चीज़ को चेक करते हुए अगर आप देखेंगे स्कीमेटिक में, यहाँ पर देखिए, कॉपी किया और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ऐड, देख ये है आपका, और एक रजिस्टर आ रहा है जो PCH और LPC ये कम्युनिकेशन लाइन में, RN1806 RN1806, ठीक है,
जस्ट सीपीयू के बगल में लगा हुआ है ये। और इस टाइम पे एक चीज और चीज चेक कर लेते हैं, पिन नंबर 15 पे रीसेट सप्लाई, ठीक है, ये रीसेट सप्लाई भी आ रही है, ठीक। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, अभी आ रही है 1.38 1.3635, सो एवरेज 1.3, मतलब यानी कि रीसेट सप्लाई बन रही है। इसी बोर्ड में मैंने दूसरी रैम लगाई थी तो ये रीसेट सप्लाई क्या हो रही थी, ड्रॉप हो रही है, ठीक है, दूसरी रैम लगा रखी थी जबकि ये रैम दूसरे बोर्ड में वर्क कर रही है। अब इसके बाद मैंने ये RN1806 इसको चेक करना शुरू किया। देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है, इसके सेकंड पिन पे आपको डेटा मिल रहा है, थर्ड पिन पे डेटा मिल रहा है, फोर्थ पिन पे डेटा मिल रहा है, लेकिन आपका ये है आपका 31 कितना वोल्ट के साथ है, 3.3 ये आ रहा है, देखिए यहाँ पे ट्रैक पे, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ रहा है, यही बगल में ट्रैक, और यहाँ पे एक ट्रैक और है जिस पे ये डेटा देखिए डिस्टर्ब है, यहाँ पे देखिए डेटा किस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। पिन नंबर 1 चलिए, सो ये बीप आ रहा है। एट द सेम टाइम आप एलपीसी बस को चेक करेंगे, ये आयो की पिन है, देखिए सबसे पिन नंबर 1 पे हम चेक करेंगे, देखिए पिन नंबर 1 पे आप देखिए डीएसओ पे डेटा आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। इसके बाद है आपका पिन नंबर 127 128 126, देखिए 128 पे चेक कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर आ रहा है, 127 पे डेटा प्रॉपर आ रहा है, 126 पे डेटा आपका देखे डिस्टर्ब आ रहा है, ठीक है। यानी कि 126 से वाली जो पिन है, 126 पे जो डेटा आना चाहिए वो डेटा कंप्लीट नहीं आ रहा, आप देखिए फिर से डीएसओ पे, जबकि ये डेटा का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है और 126 पे इसका ट्रैक डेटा इस तरीके से आ रहा है, यानी पूरा प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका ट्रैक में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमें देखना है फिजिकल के लिए, और इस बोर्ड में अक्सर ये पाया गया है सीपीयू के जस्ट नीचे, जहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये आरएन लगा हुआ है, इसी आरएन के साथ ये ट्रैक नीचे आया है। यहाँ पे जितने भी बोर्ड हमने देखे हैं मैक्सिमम इसकी बॉडी की वजह से, बॉडी इस पे रगड़ करके ये ट्रैक यहाँ पे कटता है, क्या होता है ये ट्रैक अक्सर ये कटा हुआ मिलता है, बस केवल इसमें से एक ट्रैक कटे होने की वजह से पूरा का पूरा। और ये आइडेंटिफिकेशन कैसे किया गया, यहाँ से जो सिग्नल है एलपीसी बस यहाँ पे प्रॉपर आना चाहिए, जबकि इस रजिस्टर पे प्रॉपर सिग्नल फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ से आयो तक कंप्लीट नहीं पहुँच रहा, गेट इट, आयो के पिन नंबर 126 पे प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा, 126 से जो डेट कनेक्टेड है इस रजिस्टर का एक पिन नंबर है 4 और 5 से डेटा लेके 126, या तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वहाँ पे जंपर मार दूँ, या इस ट्रैक को यहाँ से यहाँ बीच में हल्का सा फिजिकल दिख रहा है उस ट्रैक को मैं ऐड करूँगा पहले, ठीक है। इस ट्रैक को दोबारा ऐड करते हैं, देखते हैं,
ये जंपर में आप यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया पिन नंबर, ये है 1 2 3 4 5, पांच से जो आउटपुट आ रहा है उसको अब ध्यान से देखेंगे अगर इसको, ठीक है, तो ये चारों ट्रैक यहीं से नीचे हुए आते हैं और कई सारे बोर्ड में कई बार मैंने रिसीव किया तो यहीं पे ये स्क्रैच होता है, ठीक है, यहीं पे बॉडी के वजह से, ये बॉडी फेल्योर का है रीज़न, यानी जो आपका लैपटॉप का बोर्ड है पूरा बॉडी है उसके स्क्रू लूज हो जाते हैं तो यहाँ पे ये रगड़ के ये ट्रैक कट जाते हैं। और ये ट्रैक, मजे की बात यह है कि डेटा लाइन है LPC बस, जो कि लास्ट में डेटा फॉर्मेशन में मदद करती है, इसमें से कोई भी एक ट्रैक कटेगा आपका तो कंफर्म है कि आपका इस तरह के इरर आ सकते हैं, 7 बीप आपका आता है या CPU फेलर से रिलेटेड या नो डिस्प्ले से रिलेटेड। कई बार अगर बीप नहीं भी आता है, ठीक है, कई बार ये ट्रैक कटने के बाद ऐसा भी नहीं होगा कि बीप ही आए, नो डिस्प्ले हो सकता है, गेट इट। सो ज़्यादातर 7 BP ये काफ़ी ज़्यादा मतलब है, कई बार प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि 7 BP से रिलेटेड। अब 7 BP से रिलेटेड ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे प्रॉब्लम आए, लेकिन 60-70% केसेस यहीं से होता है। कुछ 7 BP से रिलेटेड आपका बायो से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, कई बार IO आपका फॉल्टी होगी तब भी हो जाता है, ठीक है, अगर IO के इस सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ इंटरनल सेक्शन में, ठीक है, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर कई बार मेन रूप से अगर ये सारा सेक्शन ओके है और आपका CPU फॉल्टी है तब भी, सो आपको चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलरली कि आपके किस रीज़न के वजह से वो 7 BP आ रही है। कई बार 7 BPs ऐसा भी पाया गया है कि CPU फेल्योर का, अदर बोर्ड में CPU फेल्योर तब होता है जब 1.5 volt की जो RAM सप्लाई होती है वो रन में कन्वर्ट होती है, या कह सकते हैं CPU के लिए 1.5 volt का कन्वर्जन किया जाता है। अगर वो रिसीव भी नहीं होता है तो इवन रीसेट सप्लाई मिसिंग हो जाती है, ठीक है। इस तरह के कई बार प्रॉब्लम्स देखा है जो CPU से रिलेटेड है, वो बीप कोड CPU फेलर से रिलेटेड होगा लेकिन CPU फेल तब होता है जब उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही होती। दूसरी, मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही, मेरा गले का ना स्पीकर थोड़ा डाउन हो गया भाई, ठीक है, सो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। कभी मेरे बैकग्राउंड में ढेर सारा नॉइज़ होता है, कभी मेरा खुद का स्पीकर काम नहीं कर रहा, इसको भी रिपेयर करता हूँ मैं, ठीक है, 2-3 आयरन यहाँ जंपर मारना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। फिलहाल अब दोबारा इस जंपर को, जंपर मैंने लगा दिया है, कम्युनिकेशन लाइन ट्रैक जोड़ दिया है, पिन नंबर 126 का डेटा जो है मिस हो रहा था, चलो मैं पिन नंबर दोबारा से इसको करता हूँ, लॉग इन कर लिया, ठीक है, ये ऑन हो गया DSO मेरा। अभी देखिए लोड भी चेंज हो गया, लोड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, पहले 250 से 450 बीप कर रहा था तो 400 पे जंप कर रहा था, 250 से 450 पे पूरी प्रॉप, एक सेकंड, पूरी कंप्लीट सप्लाई आ रही है और आपका डेटा बनता है पिन नंबर 1। डिस्प्ले नहीं आया क्या, दिखाइएगा भाई, डिस्प्ले नहीं आया क्योंकि रैम ही सही नहीं लगा है, जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाना है। स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कितना स्पीड काम करते हो, जरूरी ये है कि आप कितना सही काम करते हो। CMOS सेल भी लगा रखा है, ट्रिगर कर लेते हैं एक बार, बोर्ड ट्रिगर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 BP एरर कोड आ रहा है। 8 BP जनरली इसमें स्क्रीन केबल या स्क्रीन अवेलेबल ना होने पे आता है, ठीक है। अभी ये स्क्रीन से, अभी जो 8 BP कोड आ रहा है ये स्क्रीन के लिए है, LVDS कनेक्टर के लिए, LVDS केबल के लिए, सो इसको आप कनेक्ट करते, पहले 7 BP आ रहा था, 7 BP का कोड हट गया, अभी 8 BP आ रहा है। स्क्रीन इसका पैनल देना, पैनल भी लगा लेते हैं,
सर कह रहे होंगे बीप तो ऐसे ही आते हैं। ये बीप के बायोस में इंबेड है, कहाँ से आ रहा है? तो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको दोबारा से स्क्रीन लगा लिया, हमने लॉग इन कर लिया और इसको ट्रिगर कर लिया। ट्रिगर हो गया, डिस्प्ले भी आ गया। ठीक है, और इसका बीप आना भी बंद हो गया। ठीक है, जनरली 8 बीप एलवीडीएस केबल से आता है, स्क्रीन खराब होती है तब भी आता है, या इसका जीपीयू सेक्शन फेलियर होगा तब 8 बीप आएगा। 7 बीप आपका सीपीयू से रिलेटेड है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, सीपीयू को उसकी रिक्वायर्ड पावर सप्लाई ना मिलना, एलपीसी बस का पूरा कम्युनिकेशन प्रॉपर ना होना, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके वजह से 7 बीप एरर आता है। जल्दी 7 बीप के कई रीजंस मिले हैं, कई बार कुछ रीजंस रिजॉल्व होते हैं और कुछ रीजन रिजॉल्व भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रियल में इसका सीपीयू ही फॉल्टी होता है जिसके वजह से आपका 7 बीप आता है। कई बार ऐसा होता है कि बायोस से रिलेटेड डेटा करप्ट होता है, या आईओ से रिलेटेड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा होता है, या एलपीसी बस प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है, तब भी ये सारे रीजंस होते हैं 7 बीप से रिलेटेड। अब चेकआउट ये करना होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग बोर्ड है उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। फिलहाल इस बोर्ड में एलपीसी कम्युनिकेशन बस जो थी वो प्रॉब्लम में थी, और जनरली 10 में से 6 बोर्ड में या 7 बोर्ड में यही कम्युनिकेशन लाइन का फेल्योर ही होता है जिसके वजह से 7 बीप एरर आता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।